हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपकी बताई हुई क्रीपी या फिर हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की स्टोरी हमें आती है बहुत टाइम बाद दिल्ली से। आई डोंट नो व्हाई ऑल द क्रीपी थिंग्स दे हैपन इन दिल्ली ओनली। एंड आज की जो स्टोरी है वो है सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप्स रिलेटेड। तुम में से कितने लोगों ने टिंडर, बंबल या फिर ऐसे डेटिंग ऐप्स यूज करे हैं? ऑलमोस्ट सभी लोगों के एक्सपीरियंस उसमें अच्छे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन एप्स को यूज करके तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं, या तो मेंटली या फिर फिजिकली। सो यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। हेलो, मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली से हूं। आई एम 26 ईयर ओल्ड राइट नाउ, पर अपने 26 सालों में मैंने कभी भी कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड नहीं करा था। इससे पहले आई हैव हैड 2 बॉयफ्रेंड्स, लेकिन जैसे कि मेरी कहानी सुन के आपको पता चल ही रहा होगा, दे आर माई एक्सेज एंड उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चला। इफ़ आई एम बींग ऑनेस्ट, दे बोथ वर वेरी टॉक्सिक एंड आई डोंट नो वाई मैं हमेशा ऐसे ही लड़कों को चुनती हूँ। मे बी ये मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है, लेकिन मुझे हमेशा कैरेक्टर्स भी टॉक्सिक ही पसंद आते हैं, चाहे वो फिर मूवीज हो, टीवी शोज हो या फिर सीरीज हो। सो माई लास्ट बॉयफ्रेंड वॉज एट 22, जिसके बाद से मैंने अपना डेटिंग से पूरा मन ही छोड़ दिया था। मैंने अपने आप से कहा था कि अब बस मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी, पैसे कमाने पर ध्यान दूंगी और अपनी फैमिली का ध्यान रखने में ध्यान दूंगी। पर 4 साल बाद आई काइंड ऑफ फील लोनली नाउ। मैं भी चाहती हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मेरे साथ कोई हो, कोई मेरा अपना, जो मेरा ध्यान रखे, मुझे डेट्स पे ले जाए, मुझसे ढेर सारी बातें करे और मुझे रात में कॉल भी करे। सो इसीलिए इस बारी वैलेंटाइन से तंग आके मैंने अपने फ़ोन में डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर ही दिया, एंड आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था डेटिंग ऐप्स के बारे में, तो वही नाम जो मैंने हमेशा सुना था, टिंडर, मैंने वो डाउनलोड कर लिया। मेरी एक दोस्त ने मेरी प्रोफाइल बनाई एंड आई वॉज रियली नर्वस अबाउट एवरीथिंग। आई थॉट कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा, बिकॉज इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट आई डोंट लुक दैट गुड। बट टू माई सरप्राइज मेरी प्रोफाइल बनाते ही मुझे बहुत सारे मैचेज आने लग गए थे। इससे पहले कि मैं ये सीख पाती कि लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप का मतलब क्या होता है, आई वॉज गेटिंग मैचेज लेफ्ट एंड राइट। सो इट वॉज अम्यूजिंग टू मी, बट मेरी दोस्त ने कहा कि ये चीज़ नॉर्मल ही है टिंडर पे। उसने मुझसे कहा कि ज़्यादा ध्यान मत दे एंड जस्ट चूज एनी वन दैट यू लाइक। तो मैं भी जाने लगी मैचेस के थ्रू एंड देर वॉज वन गाय हु रियली कॉट माई आई। पर गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। पॉकेट ब्रोकर एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस देता है। आपको बस इस प्लेटफॉर्म में जाकर रजिस्टर करना है, जिसके बाद आप अपनी जीमेल आईडी या फिर फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो आप इस प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आपको एक फ्री डेमो अकाउंट भी मिलता है जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप पैसे डिपॉजिट करके सीधा अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। सिंपली अपने अच्छे ट्रेडिंग एसेट्स चुनो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस टाइम को सेलेक्ट करो और प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में से एक को चूज करो, एंड डन। आप जो भी अर्निंग करेंगे वो आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड हो जाएगा, जिस बैलेंस को आप लोग फ्री में विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि पॉकेट ब्रोकर में कोई भी विड्रॉल फीस नहीं होती है एंड आप पॉकेट ब्रोकर मल्टीपल डिवाइसेस में चला सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड करो या फिर QR कोड को स्कैन कर सकते हो तुम लोग, या फिर यूज करो मेरा प्रोमो कोड स्टोरीज टू गेट 60% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट इन पॉकेट ब्रोकर। सोशल मीडिया पर भी पॉकेट ब्रोकर रेगुलरली अपने प्रमोशंस होस्ट करता है, पर Everyone has the opportunity to receive prizes and receive deposit bonuses. So don't miss the chance, subscribe and stay tuned for updates. And now let's continue with the story. उसका नाम विक्रम था एंड ही लुक्ड लाइक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गाय। उसकी प्रोफाइल में बस 4 ही फोटोज थी, बट उसकी पहली 3 फोटोज देख के मुझे ये लग रहा था दैट ही वॉज अ बिजनेसमैन। ही वॉज वेरी टाइडी, वेरी टॉल, ही लुक्ड रियली गुड। उसकी लास्ट फोटो वॉज द वन विच कॉट माई आई। I'm not gonna lie, उसकी लास्ट फोटो was shirtless, which kind of wowed me. So yes, एक shirtless pic की वजह से मैंने उससे match कर लिया। I know, very shallow, but I just wanna be honest here. मैंने उससे थोड़ा देर बातें करी and he was a very genuine guy also. पर उसने मुझसे एक चीज पूछा कि क्या तुम religious हो, क्या तुम अच्छे और बुरे कर्म में विश्वास रखती हो? तो मैंने उससे कहा हाँ, to which he said that I'm really glad that you are one of those girls. आजकल लड़कियां ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं रखती है,
ऑल दे बिलीव इन इज पार्टिंग, जो पढ़ के मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई। हम लोगों ने और बातें करी, देन वी एक्सचेंज आवर इंस्टाग्राम्स, एंड उसके बाद इंस्टाग्राम पर हमने मिलने का प्लान बनाया। मैं अपना एग्जैक्ट घर की लोकेशन तो नहीं बता सकती हूँ, पर मैं और विक्रम बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रहते थे दिल्ली के, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग मिडिल में कनॉट प्लेस में मिलेंगे। विक्रम वॉज ओनली फ्री ऑन सैटरडे एंड उस दिन भी उसका काम था, पर पहली डेट के लिए मैं एक अनजान आदमी से शाम को नहीं मिलना चाहती थी। बट बीइंग अ नाइस गाय, विक्रम ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए छुट्टी ले लूँगा एंड वी विल मीट एट 11 AM। दिस मेड मी रियलाइज दैट हाउ केयरिंग ही वॉज, और हम लोगों ने अपने प्लान के साथ कंटिन्यू करा। मैं तुम लोग को बता नहीं सकती हूँ कि मेरे दिल में कितनी हेजिटेशन थी उस दिन। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ गर्ल जो कि कभी डेट पे जाए या फिर कभी किसी से मिले भी जिसे मैं जानती नहीं हूँ। एंड ऑल्सो आई डिड नॉट वॉन्ट विक्रम टू नो दैट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, इसलिए आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। पूरी मेट्रो राइड में मैं बस अपने आप को यही दिलासा देती रही कि कोई बात नहीं, ही इज़ देयर टू वाओ मी, नॉट द अदर वे अराउंड। बट फिर मैं रियलिस्टिक भी रह रही थी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि विक्रम को कोई भी मिल सकता था, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय एंड ही हैज़ हिज ओन बिजनेस ऑल्सो, सो वाई डिड ही पिक मी। पर फिर मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था दैट ही डज सीम जेन्युइन, मे बी उसे मेरी पर्सनैलिटी पसंद आ गई होगी। ख्याल में कब मैं कनॉट प्लेस पर पहुँच गई मुझे पता ही नहीं चला, और मेट्रो से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि विक्रम मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। आई वेटेड फ्यू मिनट्स जस्ट टू सी कि वो क्या करता है, एंड देन आई सॉ अ गर्ल कमिंग नियर हिम। उस लड़की ने उसके कंधे पे हाथ रखा और वो उससे बात कर रही थी, तभी अचानक से विक्रम ने उस लड़की को झटका मार के दूर करा और उसने हाथ जोड़ के उस लड़की से कुछ तो कहा और फिर वो लड़की वहाँ से चले गई। इसके बाद मैं विक्रम के पास गई एंड आई सेड हाई टू हिम वेरी ऑकवर्डली, पर उसकी आंखों में मुझे दिख रहा था कि विक्रम भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसके बाद वहाँ से हम पैदल चलने लगे जिस कैफ़े में हम लोगों ने डिसाइड करा था वहाँ पे खाने के लिए। कैफ़े में बैठकर, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ पूछने के लिए था नहीं एंड आई वॉज वेरी नर्वस ऑल्सो, तो मैंने विक्रम से पूछ ही लिया, वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे पास आई थी, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? विक्रम ने कहा नहीं, मैं उसे नहीं जानता था। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा तो उसे तुम्हारे कंधे पर हाथ क्यों रखा? विक्रम ने कहा मुझे नहीं पता, बट दैट मेड मी फील रियली अनकम्फर्टेबल। ये सुनते ही मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, आई डोंट नो वाई, एंड आई थिंक विक्रम भी नर्वस था तो वो भी हंसने लगा। विक्रम ने मुझसे कहा कि वो नॉर्मली डेट्स पर नहीं जाता है क्योंकि ही स्टार्टेड हिज बिजनेस 2 years ago एंड उसकी वजह से उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ही जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड समबडी वेरी जेन्युइन हु कुड कनेक्ट विद हिम एंड ही सेड टू मी दैट ही थिंक्स ही फाउंड द वन। दैट मेड मी ब्लश सो मच दैट माई होल चीक्स वर रेड, माई हार्ट वॉज पाउंडिंग, आई वॉज हेजिटेटिंग बट स्टिल आई वॉज इंचिंग क्लोजर टू हिम। और बात करते करते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। विक्रम ने मुझसे कहा कि लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम डेट, और मैं उसकी बात मान गई। चलते चलते और बात करते करते हम पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम रहे थे, पर आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम। अब मेरा हेजिटेशन भी निकल चुका था एंड आई वॉज एक्चुअली बींग फ्रेंक विद हिम। मैंने उसे अपने दोनों एक्सेस के बारे में बताया, ही ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट हिज वन गर्लफ्रेंड दैट ही हैड, पर मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे ये नहीं बताया कि उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। आई थॉट ओके मे बी ही डज नॉट वांट टू शेयर दैट थिंग राइट नाउ सो आई वोंट फोर्स इट। पर उसके बाद हम शाम को अपने अपने घर वापस आ गए। आई विल नॉट लाई, उस पूरी रात मैं बस विक्रम के बारे में ही सोच रही थी एंड आई रियली वॉन्टेड टू टेक्स्ट हिम, पर मैं उसके टेक्स्ट का वेट कर रही थी। मेरे घर पहुंचते ही विक्रम ने मुझे टेक्स्ट करा, डिड यू रीच, एंड आई वॉज जस्ट किडिंग विद द हैप्पीनेस। उसके अगले वीक हम लोगों ने दोबारा से डेट पर जाने का प्लान बनाया, बट दिस टाइम विक्रम सेड कि इस बार ही वो छुट्टी नहीं ले सकता है तो प्लीज़ कम नियर माई ऑफिस। मैं भी उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। शाम के करीब 5:30 बजे मैं उसके ऑफिस के पास पहुंची तो विक्रम नीचे ही खड़ा था मुझे लेने के लिए, जिसके बाद हम उसकी गाड़ी में बैठ कर ड्राइव पे जाने का प्लान कर रहे थे। पर दिल्ली की भीड़ तो तुम लोगों को पता ही है, इसीलिए हमारी गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई। विक्रम ने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे घर चलना पसंद करोगी, आई कैन कुक फॉर यू, और क्योंकि रात हो जाएगी खाते खाते तो मैं तुम्हें वापस ड्रॉप भी कर दूंगा। आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड यस टू हिम, बट आई फेल्ट लाइक दैट ही वोंट डू एनीथिंग रॉन्ग एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। हम दोनों विक्रम के घर में पहुंचे और उसके घर पहुंचते पहुंचते हमें करीब 8 बज चुके थे। एक बार उसके घर में जाने से पहले मैंने विक्रम से कहा मे बी आई शुड नॉट कम टू योर हाउस, पर विक्रम ने मुझे दिलासा दिया कि डरो मत, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है, और ये सुनकर आई गॉट थोड़ा सा श्योरिटी। हम लोग ऊपर उसके घर में गए और हमने बेल बजाई, पर अंदर कोई नहीं था। विक्रम ने अपना फ़ोन निकाला एंड ही कॉल्ड हिज मदर।
तब उसे पता चला कि उसकी माँ उसकी किसी दोस्त के घर गई थी। ही सेड इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल राइट नाउ हम लोग कहीं और भी जा सकते हैं, बट ही वॉज सच अ स्वीट हार्ट कि मैं उसकी बातों में आ गई। हम लोग घर के अंदर गए, विक्रम मुझे अपना घर दिखाया और फिर उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा मेरे बेडरूम में वेट कर लो, मैं अभी आता हूँ। मैं बेडरूम में उसके बेड में बैठी एंड ही सेड प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल बट जस्ट डोंट कम आउट ऑफ दिस रूम। दिस वॉज वियर्ड, उसने भला मुझसे ऐसा क्यों कहा। और ये बात सुनते ही आई वॉज ऑन एज नाउ। विक्रम को अपने बेडरूम से गए हुए और दरवाज़ा बंद करे हुए अब करीब 10 मिनट हो गए थे एंड एवरी नेगेटिव थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ वो सब कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से भागूंगी कैसे, अगर इस लड़के ने मुझे मार दिया तो तब मैं क्या करूँगी, मेरे घर में किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। बट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग मे बी मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ उस बारे में। ही डज सीम नाइस और उसकी माँ भी उसके साथ रहती है तो भला वो कुछ क्यों करेगा। पर अब 10 मिनट से 20 मिनट हो चुके थे और विक्रम अभी भी वापस नहीं आया था। हर एक सेकेंड के साथ साथ मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी एंड आई एम नॉट गोना लाई आई वॉज रियली स्केयर्ड एट दैट टाइम। तो मैंने भी डिसाइड करा कि अब मैं यहाँ और नहीं रख सकती हूँ और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं विक्रम के कमरे से बाहर गई और मैं मेन दरवाजे के पास चलने ही वाली थी कि तभी मुझे अचानक एक कमरे में से आवाज़ आई। ये आवाज़ कुछ मंद मंद चांटिंग जैसी थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। आई वॉज अबाउट टू ओपन द मेन डोर बट माई क्यूरियोसिटी गॉट द बेस्ट ऑफ मी और मैंने इस कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने धीरे धीरे कदमों से इस कमरे की तरफ जाना सही समझा ताकि विक्रम मुझे सुन ले। और जैसे जैसे मैं इस कमरे के पास जाती रही वो आवाज़ और तेज़ होती गई। आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डोर एंड नाउ इट वॉज क्लियर कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की ही थी। तो मुझे लगा शायद से पूजा कर रहा है, पर 20 मिनट तक वो भी जब उसके घर में कोई गेस्ट हो तब। नथिंग वॉज मेकिंग सेंस टू मी और मैं विक्रम को बुलाना चाहती थी बट देन सडनली समथिंग वियर्ड हैपन्ड। विक्रम स्टार्टेड हाउलिंग रैपिडली। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि वो कैसे हाउल कर रहा था बट इट वॉज वेरी पेनफुल और उसका हाउल सुनते ही मुझे अब डर लगने लगा था। आई रियली वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम देयर पर मुझे जानना भी था आखिर ये कर क्या रहा है। तो मैंने उसके दरवाजे पे हाथ लगाया और उसका नॉब धीरे से खोला और जो मेरे आंखों के सामने था आई कुड नॉट बिलीव इट। वहाँ अंदर कोई मूर्ति नहीं थी और ना ही वहाँ भगवान की कोई तस्वीर थी। विक्रम एक कमरे के बीच में बैठा हुआ था और उसके सामने आटे से बना हुआ कोई साइन था। आई डोंट नो ये साइन किस चीज़ का था या फिर क्या था बट आई कुड जस्ट टेल दैट ही वॉज नॉट प्रेइंग टू गॉड्स। मेरी आँखें और विक्रम की आँखें मिली और उस ही इंस्टेंट में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज रन फ्रॉम हेयर पर मेरे पैर फ्रीज हो चुके थे। विक्रम अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा था और उसके पैर के नीचे नींबू और मिर्च के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। उसके लेफ्ट हाथ में एक लाल धागा था और उसने मुझसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें मना करा था ना कमरे से बाहर आने के लिए। इन दैट इंस्टिंक्ट ओनली आई रैन फ्रॉम देयर और मैंने बाहर भागते हुए अपनी चप्पल भी नहीं पहनी। मैं जल्दी से उसकी बिल्डिंग से नीचे आई और सीधा ऑटो के अंदर बैठ गई। उस ऑटो वाले भैया ने मुझसे बिना कुछ पूछे ही ऑटो वहाँ से भगा दिया और फिर थोड़ा देर आगे जाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैम क्या आप ठीक हो, क्या मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊँ, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। आई टोल्ड हिम नहीं प्लीज़ मुझे सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दो। मुझे लगा कि अगर मैं भीड़ में रहूँगी तो विक्रम मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ही जस्ट नॉडेड एंड ही टुक मी टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। उसके सीधा बाद मैं अपने घर चले गई। पूरे रास्ते में और पूरी रात मैं बस उन फुटस्टेप्स का इंतज़ार कर रही थी कि कब विक्रम के फुटस्टेप मुझे सुनाई देंगे एंड आई विल हैव टू शाउट। बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे विक्रम कॉल्ड मी पर मैंने उसका कॉल नहीं उठाया एंड आई ब्लॉक्ड हिम। मैंने ये चीज़ अपनी दोस्त को बताई एंड शी वॉज जस्ट लाफिंग एट मी थिंकिंग दैट आई वॉज मेकिंग एवरीथिंग अप। बट आई नो व्हाट आई सॉ दैट डे एंड आई नो दैट आई डोंट हैव अ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस थिंग। पर एक चीज़ तो पक्की है दैट आई एम नेवर इंस्टॉलिंग टिंडर ever again. Well, that's it for today's video. I hope that you guys liked it. And agar aap log Delhi se ho, then click that like button, guys. And with that, I hope that you guys are happy and healthy. And I will see you next week. Bye-bye.